नमस्कार दोस्तों, पुखराज के प्रोग्राम क्या आप जानते हैं में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमें दूसरों की तरफ मदद के लिए देखने से पहले खुद भी अपनी मदद करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। आइए आज आपको लेकर चलते हैं बठिंडा के गांव दीवाना में, जहां के सूझवान लोग लाखों पंजाबियों और भारतीयों के लिए मिसाल बने हैं। आखिर क्या है खासियत गांव दीवाना की? दरअसल, अपनी भावी पीढ़ी को तंदुरुस्त व समझदार बनाने के लिए इस गांव के लोगों ने कमर कस रखी है। एनआरआईज और गांव की पंचायत की मदद से इस गांव ने खाली पड़ी जमीन पर नौजवानों के लिए एक स्टेडियम बनाया है, जहां सुबह शाम बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सैर करते हैं, वर्जिश करते हैं और कई तरह की खेलों की बाजियां लगाते हैं। यही राज है यहाँ की पनप रही पीढ़ी की तंदुरुस्ती का। इतना ही नहीं दोस्तों, समय समय पर यहाँ पर टूर्नामेंट्स भी करवाए जाते हैं, ताकि बच्चों का मनोबल बना रहे। ये तो थी शारीरिक गतिविधि की बात। नौजवान पीढ़ी को मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए गांव में शहीद करतार सिंह सराभा यादगारी लाइब्रेरी भी बनवाई गई है। लोगों को किताबों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए दीवारों पर रंग बिरंगे आकर्षक पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं, जिन पर महान लेखकों और कवियों की कविताएं और विचार लिखे गए हैं। गांव की पंचायत चाहती है कि देश की युवा पीढ़ी तंदुरुस्त हो और शिक्षित हो। वाह, क्या कहना गांव दीवाना का। अगर हर गांव ऐसा प्रयास करे तो मेरा पंजाब फिर से वो खुशहाल पंजाब होगा, जहां की नौजवानों की लोग कस्में तक नहीं उठाते हैं, क्योंकि यहाँ के नौजवान अनखी ही नहीं, मेहनती भी हैं, जुझारू भी हैं और आगे बढ़ने की सोच भी रखते हैं।